नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक से मेनली चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेलवे हो या SSC हो। पहला टाइप का क्वेश्चन रहता है जब आपका एक टाइम दिया रहता है और उसके पूछा जाता है कि इसमें कितना का एंगल बना रहेगा, कितने बीच का एंगल बना रहा है ये। या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 से 3 बजे के बीच में कितने टाइम पे घड़ी 0 डिग्री बनाएगा, या फिर 90 डिग्री बनाएगा, या फिर 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है हमारा, कोई टाइम दिया रहेगा और उसको पूछा जाएगा कि इसका वाटर इमेज क्या होगा और मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, और चौथा टाइप का क्वेश्चन हमारा बेसिक से आता है, मतलब उसका थ्योरी पार्ट से आता है। वो थ्योरी पार्ट मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन पर ले आता हूँ। क्वेश्चन मैं वही सारा क्वेश्चन लिया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है रेलवे और SSC में। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, पहले देखिए कि 60 मिनट्स में हमारा जो घड़ी होता है वो 60 मिनट, एक घंटा में 60 मिनट्स होता है, और 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री बनाता है। वो टोटल यहाँ से अगर चलता है तो ये रोटेट होके फिर ये यहाँ के 360 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो हमारा घड़ी एक मिनट में कितना बनाएगा, तो बस 60 मिनट में अगर 360 बनाता है तो एक मिनट में 360/60 यानी एक मिनट में 6 डिग्री बनाता है। इस पर क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि 5 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, तो क्या करना है, बस 5 × 60 कर दीजिए, 30 हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पूछा जाएगा कि आधा घंटा में कितना एंगल बनाएगा, तो आधा घंटा यानी कितना हो गया आपका 30 मिनट्स, 30 को आप 6 से गुना कर दीजिए तो 6 × 3 = 18 यानी 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा है कि हमारे जो घड़ी होता है उसमें क्लॉक हैंड और मिनट हैंड होता है, तो ये क्लॉक हैंड और मिनट हैंड कब ये स्ट्रेट एंगल बनाता है। स्ट्रेट एंगल बोले तो आपका जैसे ये आपका घड़ी है तो मान के चलिए 12:30 बज रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है, एक्चुअली सीधा नहीं बनाता है, थोड़ा टेढ़ा ही बनाता है वो, आप समझिए बस। ठीक है, तो कितने बार बनाता है हमारा घड़ी एक दिन में, तो हमारा घड़ी एक दिन में 22 टाइम्स स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, यानी 180 डिग्री 22 टाइम्स बनाता है, 180 डिग्री बोलिए या फिर स्ट्रेट लाइन बोलिए। ठीक है, ये आपका बनाता है 22 बार पर डे। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारा कॉन्साइड कब करता है, मिनट हैंड और आवर हैंड हमारा कॉन्साइड कब करता है, तो ये भी हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड 22 टाइम्स कॉन्साइड करता है। ठीक है, 22 टाइम्स कॉन्साइड बोले तो जैसे कि आपका मिनट हैंड और आवर हैंड एक ही पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद है कि हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड 90 डिग्री कब बनाता है, तो ये 90 डिग्री डबल टाइम्स बनाता है, 44 टाइम्स बनाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। वो आपका 0 डिग्री बनाएगा, इसको जो हम लोग लिखे हैं कॉन्साइड, ये 0 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री वो 22 टाइम्स बनाता है, लेकिन जो तो आपका 90 डिग्री है वो हमेशा 44 टाइम्स बनाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इस बार RRB में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे घड़ी में एक सप्ताह में कितने बार राइट एंगल बनता है, तो अब आपका सप्ताह में पूछा गया, तो एक दिन में जब मेरा 44 टाइम्स बनाता है तो सप्ताह में क्या हो जाएगा, 7 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही होगा आपका आंसर। और क्वेश्चन क्या है, कॉन्साइड कब करता है, एक हफ्ता में या फिर 6 दिन में, तो बस आपको क्या करना है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, वो आंसर आ जाएगा। क्लॉक का सिर्फ एक फॉर्मूला मैं बताऊँगा, उसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई ट्रिक कुछ नहीं आपको जाना कहीं पे। ये सबसे ईजिएस्ट ट्रिक और बेस्ट है, यहाँ गलती होगा ही नहीं आपका। ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लीजिए आप। फॉर्मूला है आपका m = 2/11 × t1 × 30 ± थीटा। अब m क्या है, m मिनट है, उसके बाद t1 फर्स्ट टाइम
और थीटा है एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो अब हमको बता रहा हूँ कैसे इसको यूज, देखिए जैसे कि आपका दिया रहेगा 6:30, अब आपको बोलेगा कि 6:30 में कितना का एंगल बना रहा है, तो आप क्या करोगे जो मिनट है मिनट में ये वैल्यू डालोगे, ठीक है। उसके बाद T1 टाइम दिया हुआ है कितना 6 डालोगे इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब जो और एक क्वेश्चन आता है कि दो और तीन के बीच में कितना एंगल, ये सॉरी कि दो और तीन के बीच में 90 डिग्री कितना टाइम पे बनाता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम मेरा क्या दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ T1 के जगह 2 लेंगे, ठीक है, इंटू 30 प्लस माइनस ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा का 90 डिग्री और ये मिनट हमारा वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब मैं आपको इसको बताता हूँ। हाँ, और एक चीज़ छूट गया, ये प्लस माइनस मैं क्यों लिखा हूँ, तो प्लस माइनस कब होता है, अगर आपका जब 180 डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री आपका एंगल बनेगा, उसमें अगर आपका 6 बजे से बाद का टाइम दिया रहे तो आपको तब आपको ये करना है माइनस करना है, अन्यथा आपको प्लस करना है हमेशा, ठीक है। दीजिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये RRB में पूछा गया है कि आपका 2 और 3 के बीच में घड़ी कॉन्साइड कब करता है, मीन्स कॉन्साइड मतलब 0 डिग्री कब बनाता है, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूला याद है, m = 2/11 2 × T1 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो आप वैल्यू डाल लो 2/11, T1 में कितना दिया हुआ है मेरा, T1 मेरा 2 दिया हुआ है, तो 2 डाल दिया इंटू 30 प्लस माइनस थीटा 0 है, तो हो जाएगा 60 2/11, बस को काट दो तो 120/11 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 10/11 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी, आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस ये बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला और आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, A to Z क्वेश्चन जितना भी आपका क्लॉक का आएगा सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला पे बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि 12 और 1 के बीच में हमारा 0 डिग्री कब बनाएगा, ठीक है, 12 और 1 के बीच में, तो बस फॉर्मूला m = 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा, तो थीटा तो मेरा 0 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू ख़त्म, तो अब बचा क्या, बस डाल दो 2/11, T1 का वैल्यू 12 × 30 एंड इसको ये करोगे 720/11, जब इसको इसमें तोड़ोगे फ्रैक्शन में तो देखो ऐसे आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हम तोड़े तो आया कितना 65/5/11, ठीक है। तो हम लोग का 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 65 को हम लोग लिख सकते हैं 65/11 भी है, 60 + 5 5/11, बस 60 का मतलब क्या होता है 1 आवर, तो यहाँ 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो 12 में 1 आवर ऐड करना है, ठीक है, तो 12 में 1 आवर ऐड करेंगे तो 1 बजेगा, तो 1:05 5/11 में मेरा ये है 0 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है, ये आंसर हो गया। 3 और 4 के बीच में अब 180 डिग्री कब बनाता है, बस वही फॉर्मूला है, बस डाल दो 2/11 × 90 कैसा है आप सोच रहे होगे, T1 मेरा कितना है 3 है, तो 3 × 30 90 हो गया, 90 प्लस माइनस थीटा 180 डिग्री, ठीक है। मैं क्या बताता था, अगर आपका 6 से छोटा है तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 6 से मेरा छोटा है हम प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/70 2/11 2/70, अब 11 से कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो वो फ्रैक्शन में तोड़ दो, फ्रैक्शन में तोड़ दो, 49 1/11 आया, तो ये आपका आंसर हो गया 3:49, इतना में मेरा घड़ी 180 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद है कि 1 और 2 के बीच में कब करता है, तो वही चीज़ करना है, 2/11 1 × 30 प्लस 180 डिग्री, तो इसको जब करोगे तो ये आएगा, इसको जब फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 38 2/11 आएगा, ठीक है। तो 1:38 2/11 इतना में मेरा घड़ी 180 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं है, ये अब ये मत सोचोगे 38/11 यही मेरा आंसर हो गया, नहीं, जो आपका जो पहला टाइम ले रहे हैं तो 1:38 2/11 इतना में मेरा घड़ी 180 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। अब 5 और 6 के बीच में, इसमें भी सिंपल,
90 डिग्री कितना फॉर्म करता है, तो बस 2 बाई 11 150 बाई प्लस माइनस 90, बस वही करना है। तो देखिए हो गया 3 × 5 150 प्लस ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 240 × 2 बाई 11 440 बाई 11 43 7 बाई 11 हो गया। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया, ये हो गया उस टाइप का। अब क्वेश्चन दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, 10:10 में हमारा कितना का एंगल बना रहा है। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, मिनट की जगह मिनट डाल दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ डाला है। फॉर्मूला आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला मेरा क्या था, एम इक्वल्स टू 2 बाई 11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा, ये था। तो बस आपको क्या करना है, m का वैल्यू मेरा 10 आएगा तो 10 डाल दिया, उसके बाद 2 बाई 11 इंटू T1 मेरा कितना दिया हुआ है 10, तो 10 × 30 300। ठीक है, प्लस माइनस थीटा, आपको थीटा फाइंड करना है, बस इसको आप ये कर दो, तोड़ दो फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन में थोड़ी, मतलब इसको इधर साइड भेज दो, राइट हैंड साइड भेज दो, कर दो, तो 245 डिग्री आएगा। ठीक है, 245 डिग्री आएगा, तो आप इसको रिफ्लेक्स में भी लिख सकते हो, बस 360 से माइनस कर दो तो 115 डिग्री आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका है, सॉरी, अब आपका 220 मिनट्स में कितना आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ठीक है, बस वही चीज में 20 मिनट्स बाई इक्वल टू 2 बाई 11 60 प्लस थीटा, प्लस 60 कैसा आया, तो 3 × 2 × 30 बस 60 आ गया, 60 प्लस माइनस थीटा आपका आंसर आ गया। अब आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है हमारा, वो वाटर इमेज और मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिरर इमेज के लिए क्या है कि जो भी आपका गिवन टाइम है उसको 23 आवर 60 मिनट्स में माइनस कर देना है, या फिर 11 आवर 60 मिनट्स में। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि मेरा 6:30 ले लिया, ठीक है, 6:30 इसमें हमको अब निकालना है क्या, वाटर इमेज निकालना है। तो वाटर इमेज या फिर सॉरी मिरर इमेज पहले बता दो, मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर इमेज को क्या करो 23/60 को 6/30 से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3, ये कितना बार में जाएगा आपका, 7 बार में जाएगा। ठीक है, ये 17, तो ये आपका आंसर हो गया 17। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो आप इसको क्या करोगे, इसमें 12 माइनस कर दो, तो 12 जब 12 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5:30 होगा आंसर। या फिर आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, 11/60 है, 11 आवर 60 मिनट से आपको बस डिवाइड कर दो उसको, मान के कितना था 6:30, ठीक है, बस 30 6 5 11 5 30, यही डायरेक्टली आंसर आ गया। आप कोई भी टाइम ले लो, उसके बाद आप ले लो दूसरा टाइम ले लेते हैं कि 23:60 ले लेते हैं, 2:20 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 2 = 1 21 21 4। ठीक है, अब आप इसको घटा दो फिर 12 से, या फिर आप डायरेक्टली इसको 11/60 से माइनस कर दो, 2 20 यानी हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा कितना 2 है ना, तो क्या 9 940 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आपका है वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या करना है, जस्ट वही चीज़ है, बस 18 आवर 30 मिनट से माइनस करना है, या फिर 70, जैसे कि आपका एक ले लो कि आपका 6:20 का निकालना है, तो बस ये आपका हो गया 18 × 6 कितना हो जाएगा 12, यानी 12:10 बजेगा आपका वाटर इमेज में। ठीक है, अब आपका पूछा जाए कि मान के चलिए आपका दे दे कि 6:40 में कितना होगा, तब तो आप 18 आवर 30 मिनट्स को डिवाइड करने माइनस कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे 17
सिक्स सॉरी 19 में माइनस करोगे, बस जीरो, ये हो गया 5 1 1। आपको सोच रहे होगे ये कैसे आया, तो ये देखिए जो मेरा ये 18 आवर 30 मिनट्स दिया हुआ है, जब हम यहाँ से एक आवर बोरो करेंगे तो ये मेरा यहाँ हम तो बोरो करेंगे तो 60 मिनट्स बोरो होगा, तो ये मेरा 90 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 17, तो ये हमारा रहता है, ठीक है। बस यहीं से ये चीज़ आया है, इसलिए कुछ नया नहीं है, यहीं से ये आया है, ठीक है फ्रेंड्स।